हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमितीय फलन पर, क्लास 11 मैथ्स। पिछले दो लेक्चर आप पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स के, ठीक है। आज हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे कौन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बात करेंगे बच्चों, कौन से रिलेटेड बात करेंगे। आज एंगल की बात होगी, कोण हमेशा ही दो भुजाओं, कोण हमेशा ही दो भुजाओं या दो रेखाओं या दो किरणों के बीच बनता है, ठीक है। कभी अकेली भुजा से कोई कोण क्रिएट नहीं होता, ठीक है, हमेशा ही दो के बीच बनता है। अब इसका कोण का मापन कैसे करते हैं और कोण कैसे देखते हैं, आपने पढ़ा है क्वाड्रेंट चतुर्थांश, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ, यानी कि चार क्वाड्रेंट होते हैं। हम इन चार क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दे जरा। तो हमारे पास है चार चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। आपको पता, अगर मैं यहां बात करूं तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, अगर मैं यहां बात करूं तो होता है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, एक्स एक्सिस पे दाई ओर धनात्मक और बाई ओर ऋणात्मक होता है, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस पे यहां देखते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस के अबाउट जो एंगल बनता है वो बनता है जीरो डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है बच्चों, जीरो डिग्री का बनता है। और जब हम जीरो से यहां से मतलब एक्स एक्स से हम वाई एक्स की ओर चलते हैं तो जो एंगल बनता है यहां बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है बच्चों, एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब हमें पता चल गया, जो एक्स वाई तल में होंगे, धनात्मक एक्स वाई तल में, वो हमारे जो एंगल होंगे वो होंगे 0 से 90 के बीच। मतलब यहां थीटा 0 से 90 डिग्री तक होता है। कहां तक होता है बच्चों, 0 से 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम वाई एक्स के धनात्मक से एक्स एक्स के ऋणात्मक में चलते हैं तो 90 पहले था और 90 ये चला, एक अक्ष से दूसरे अक्ष पर जाने पर 90 होता है और उसी अक्ष के धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक जाने पर 180 डिग्री होता है। तो यहां से जब हम इसके धनात्मक से ऋणात्मक पर चले तो 90 और प्लस हुआ तो हो गया 180, यानी कि इस वाले पोर्शन में जो हमें एंगल मिलेंगे वो 90 से 180 डिग्री तक के मिलेंगे। कहां तक के मिलेंगे, 90 से 180 डिग्री तक के मिलेंगे बच्चों। और उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा है, यहाँ हमारा मिलेगा 90 180 से ऊपर, यहाँ 180 हो चुका था, अब 180 से ऊपर। और ध्यान रखना, जब भी एक अक्ष से दूसरी अक्ष की बात करेंगे तो ध्यान रखना है एंगल में हमेशा 90 प्लस करना है, यानी कि 90 प्लस करना है। तो 180 में 90 और प्लस होगा तो जाएगा 180 से 270 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 180 से 270 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ 270 से आगे चलेंगे तो 90 और ऐड होगा तो ये जाएगा 270 से 360 डिग्री। तो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन पर आते हैं, ठीक है। अब एक बात हमें और पता चल गई, जैसे हम चले हैं तो हम ऐसे चले हैं, ऐसे, ठीक है, इसे कहते हैं हम वामावर्त, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज हमेशा ही एंगल जो चलेंगे वो चलेंगे धनात्मक होते हैं। कैसे चलेंगे, धनात्मक। बाय द वे, मैं दक्षिणावर्त चलूं, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब जिधर क्लॉक घूमती है ऐसे इस दिशा में, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई। तो जब हम यहां से चलेंगे तो ये यहां से यहां, ध्यान रखना है इस वाले चतुर्थांश में जब हम ऐसे चलेंगे तो ये होगा 0 और इधर आएगा -90, तो जाएगा 0 से -90। फिर उसके बाद यहां से यहां चलेंगे तो हो जाएगा -90 से -180, और जब यहां से यहां चलेंगे तो 180 से ऊपर जाएगा तो जाएगा -180 से 270, और यहां से यहां चलेंगे तो जाएगा -270 से -360। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरूरत इसकी कहाँ पड़ती है, इसी पे क्या कर देंगे, एक क्वेश्चन कर देंगे। और क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, इसमें कहेगा सपोज माइनस के 57 डिग्री
कौन से चतुर्थांश में है, माइनस के 57 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है। मैं बच्चों आपको बात बताऊं, इनको सब टीचर्स बच्चे स्किप कर देते हैं, पर आपको ये पॉइंट स्किप करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है, ये हमारा बेस है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस के 57 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, तो बच्चों हम देखेंगे कि माइनस 57 डिग्री कहाँ पड़ता है, तो माइनस 57 डिग्री जीरो से माइनस 90 के बीच पड़ता है, देख लो तुम खुद कहाँ पड़ेगा, जीरो से माइनस 90 के बीच, तो कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। इसका जो आंसर होगा वो होगा चतुर्थांश में, ठीक है, चौथे में होगा, यानी कि फोर क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आ जावे आपसे और कहा, अगला क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि 217 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, 217 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो 217 हम देखेंगे प्लस का है, तो प्लस का है 217 किससे किसके बीच पड़ता है, 180 से 270 के बीच, और 180 से 270 धनात्मक वाले कौन से में है, तृतीय, तो ऐसे देखते रहेंगे और हम आंसर अपना लिखेंगे कि तृतीय चतुर्थांश में, कौन से में होगा ये बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे, जो बोर्ड पे भी मैंने लिखा इस सब मटेरियल को नोट कर ले अपनी नोटबुक में, कोई भी स्किप ना करे इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बच्चे ने स्किप करते रहते हैं, पर हमें स्किप नहीं करनी है, हमें इन्हें पढ़ना है, ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। नोट कर लिया, चले नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोणों का मापन, कि कोणों का मापन कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग लगाएंगे कोणों का मापन, यानी कि किन किन इकाई में किया जाता है, हमें देखनी है कि कोणों का मापन किन किन इकाइयों में किया जाता है, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे इकाइयां, इकाइयां कौन कौन सी इकाइयां होंगी जिनमें हम कोणों का मापन करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, हम यहां बात करेंगे केवल तीन इकाई पर, और पहली हमारी जो इकाई होगी वो होगी डिग्री, कौन सी इकाई होगी हमारी, पहली डिग्री होगी, जिसको अंश बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हम अंश में देखेंगे। आपको पता, आप मापते आओ थे कि एंगल मेरा 30 अंश हुआ, ये 40 अंश हुआ, ये 50 अंश हुआ, ये 60 अंश हुआ, हम अंशों में बताते थे, ठीक है। अब अंश से भी छोटा होता है, अंश से भी क्या होता है, छोटा होता है, और आपको पता एक समकोण को, अगर हम बात करें एक समकोण को 90 अंश कहा गया है, एक समकोण को क्या कहा गया बच्चों, 90 अंश, मतलब एक राइट एंगल हमेशा ही 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और जो एक अंश होता है, अंश से भी छोटा है मापन, तो अंश से छोटा क्या होगा कि एक अंश बराबर होते हैं 60 मिनट, एक अंश में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट, मिनट का सिंबल हमेशा ही इसके ऊपर डैश लगा कर देखते हैं, मिनट का सिंबल कैसे देखते हैं बच्चों, इसके ऊपर डैश लगाकर। उसके बाद अगला जो होगा वो है एक मिनट, एक मिनट, मिनट से छोटा भी होगा कौन, एक मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड, ये सेकंड भी इसी का ही मापन है, तो आप क्या करोगे 60 के ऊपर डबल डैश लगाओगे। इसका मतलब यह है कि जिस दिन कोण मापते मापते मेरी 60 सेकंड पूरी होगी मैं उसको एक मिनट कहूंगा, और जिस दिन कोण मापते मापते मेरी 60 मिनट पूरी हुई मैं उसको एक डिग्री यानी कि एक अंश बोल लूंगा, क्या बोल लूंगा, एक अंश बोल लूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे मेरे से दे दिया क्वेश्चन यहां से, किसी किसी कोण की माप, किसी कोण की माप 23 डिग्री 62 मिनट है, कितना है बच्चों 23 डिग्री 62 मिनट, तो मैं इस पूरे को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, ध्यान देना है, 23 डिग्री मेरे पास ये है और 62 मिनट ये है। आपको पता जिस दिन पूरी 60 मिनट हो जाती है तो पूरा एक डिग्री बन जाता है, मेरे पास कितने डिग्री है, मेरे पास कितने मिनट है 62 मिनट, तो मैं क्या करूंगा इन 62 मिनट में से 60 मिनट का एक डिग्री बनाऊंगा, इन 62 मिनट में से 60 मिनट का क्या बनाना है बच्चों,
एक डिग्री बनाना है, ठीक है। तो 62 मिनट है, 62 मिनट में 60 मिनट का एक डिग्री बन जाएगा। कितने मिनट बचेंगे बच्चों? 2 मिनट बचेंगे। कितने मिनट बचेंगे बच्चों? 2 मिनट। तो जाएगा मेरे पास 23 डिग्री ये हैं, एक डिग्री पूरा यहां से बन जाएगा क्योंकि 60 मिनट का एक डिग्री आएगा। अब 60 मेरे पास 62 मिनट है, 60 मिनट का मैंने एक डिग्री कर दिया, कितने मिनट बचे बच्चों? 2 मिनट बचे। कितने? 2। अब डिग्री डिग्री को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल? 24 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24.2 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 24.2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यह दे दिया किसी कोण का मापन 18 डिग्री 59 मिनट 73 सेकंड है। किसी कोण का मापन 18 डिग्री 59 मिनट और 73 सेकंड है। हमेशा ही छोटे वाले को कन्वर्ट करना शुरू करना है, पहले इन्हें कन्वर्ट करना शुरू नहीं करना है। तो हमें सबसे पहले छोटे वाले को कन्वर्ट करना है। छोटे वाला हमारे पास कौन है? 73 है। कौन है हमारे पास छोटे वाला? 73 है। तो 73 कितने हैं? ये हमारे पास है 73 सेकंड। क्या है हमारे पास? ये 73 सेकंड है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 73 सेकंड को पहले मिनट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बच्चों? मिनट में बदलेंगे, ठीक है। फोकस करेंगे यहां। अब हमें देखना है कि 73 सेकंड में कितने मिनट हो सकते हैं। अब आपको पता 60 सेकंड का एक मिनट होगा। अब 73 में से 60 गए, कितने बचे? 13। तो हमारे पास 13 सेकंड बच जाएंगे, ठीक है। उन्हें मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा से एक हमारे पास मिनट बन जाएगी 60 की। अब एक मिनट बनी हमारे पास, कितने मिनट बनी? एक मिनट, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 18 डिग्री 59 मिनट। अब इसे मिनट में बदला तो ये बनना हमारे पास एक मिनट 73 में से 60 सेकंड की, 73 सेकंड थे ना हमारे पास, 73 सेकंड में से 60 सेकंड की एक मिनट बच चुकी है। अब कितने बच गए यहां सेकंड? 13 सेकंड। कितने सेकंड बचे बच्चों? 13 सेकंड। तो जाएगा यहां से 18 डिग्री, अब एक मिनट ये है 59 ये, कितने मिनट होगी टोटल? 60। और कितने सेकंड है? 13। आपको बता 60 मिनट का क्या होता है हमेशा? 60 मिनट का क्या होता है बच्चों? 60 मिनट का एक डिग्री होता है। अब 60 मिनट को एक डिग्री में बदल लेंगे तो जाएगा 18 डिग्री, या जाएगा 60 मिनट का एक डिग्री और या जाएंगे 13 सेकंड। तो जाएगा 18 डिग्री और एक, कितने हो जाएंगे? 19 डिग्री और 13 सेकंड, 19 डिग्री और 13 सेकंड। तो बच्चों ये थी आपकी सेकंड मिनट और डिग्री की कहानी। इसको नोट करेंगे अच्छे से, नोट कर ले बच्चे वीडियो को। अगर आपकी समझ में एक बार ना आए दो बार देखें, और अपने क्वेश्चन को या तो कमेंट सेक्शन में नीचे या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन शेयर कर दें, ताकि अगले की वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कराऊं, ठीक है बच्चों। नोट करें जरा, नोट करते रहें, ठीक है। अगली जो इकाई आएगी हमारे पास कोण मापने की, हालांकि वो पहले बहुत चली, उसे ब्रिटिश के नाम से भी कहा गया था, ब्रिटिश यूनिट है, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने में यूनिट बनाई गई थी, उसका नाम है ग्रेड। कोणों का मापन ग्रेड में भी किया गया था। क्या में किया गया था? ग्रेड में। और ये कहा था कि जो ग्रेड होता है, ग्रेड, ग्रेड में मापन किया गया था, इसके आगे जी लगाते थे। ये कहा गया था एक समकोण, एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। इसमें कोई 90 वाली बात नहीं रखी थी, जैसे एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो उसने हमेशा 10 के मल्टीपल से किया था। किससे किया था? 10 के मल्टीपल से। तो एक समकोण का मतलब होगा हमारे पास 90 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में कितने ग्रेड आए? 100 ग्रेड आए। 90 डिग्री में कितने ग्रेड आए बच्चों? 100 ग्रेड आए। अगर मैं यहां से एक डिग्री का मान निकालना चाहूं तो जाएगा एक डिग्री बराबर यह जाएगा 100/90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, तो एक डिग्री में 10/9 ग्रेड होते हैं। एक डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं बच्चों? 10/9। जैसे क्वेश्चन कर दिया आपसे, हालांकि नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ ही दिन तक चली थी यूनिट, उसके बाद इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई टीचर इसकी चर्चा करता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन कर दिया यहां से आपका ये कि 18 डिग्री को ग्रेड में बताओ या ग्रेड में बदलो, ग्रेड में बदलो, ठीक है। तो ये मेरे पास 18 डिग्री है, मुझे ग्रेड में बदलना है, तो किससे गुणा करूंगा मैं? एक डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं? 10/9। कितने होते हैं बच्चों? 10/9। तो जैसे मैंने डिग्री को ग्रेड में बदला तो गुणा करेंगे 10/9 से, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो कितनी ग्रेड आई बच्चों मेरे पास? 20 ग्रेड आई। कितने ग्रेड का एंगल बनेगा बच्चों? 20 ग्रेड का बनेगा। नोट कर ले जरा,
इसे नोट कर लें, तब तक इंक डाल लूं मैं, ठीक है। चले अपग्रेड के बाद जो अगली हमारी इकाई थी कोण को मापने की, वो थी रेडियन। क्या थी बच्चों? रेडियन थी, ठीक है। रेडियन, रेडियन में मापते थे। सिंबल जो होगा रेडियन का ऊपर की तरफ छोटा सा सी, इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहा 20 रेडियन है, तो आप 20 के ऊपर छोटा सा सी लगाओ तो पढ़ा जाएगा वो रेडियन, ठीक है। रेडियन लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे रेडियन क्या है। रेडियन ये है कि जब किसी समतल में कोई कोण बना हो, जैसे हमारे पास कोई सर्किल है, सर्किल एक समतल में माना जाता है, और ये इसका केंद्र है, और यहां से कोई चाप काट लिया और इस चाप ने इसके केंद्र पर कोई कोण बनाया, ये क्या है यहाँ चाप। और ये क्या होती है तुम्हें पता होना चाहिए, यहां से यहां तक केंद्र तक की दूरी, इसको क्या बुलाते हैं? त्रिज्या। क्या बुलाते हैं? त्रिज्या। वृत्त में, वृत्त के केंद्र से और इसके सरफेस पृष्ठ तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ हमेशा कोण बनेगा, किसके द्वारा कोण बना? चाप के द्वारा। किस पे बना? केंद्र पे। इसका जो फॉर्मूला होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ध्यान रखना जितने भी कोण इस सूत्र से मापे जाएंगे, मैं जो बोला उसको ध्यान से सुनना, जितने भी कोण इस सूत्र से मापे जाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, उन सब का जो मापन होगा वो रेडियन में होगा। क्या में होगा बच्चों? रेडियन में होगा। उन सब का मापन क्या में होगा बच्चों? रेडियन में होगा, ठीक है। मैंने बताया जितने भी कोण इस वाले फॉर्मूले से हम मापते हैं उन सब का मापन हमेशा क्या में करते हैं? रेडियन में। यदि ऐसा हो जाए, कैसा, कि जो चाप हो, जितना चाप काटा गया है वो उसकी त्रिज्या के बराबर हो, इंग्लिश में बताऊं इसको एंगल बोलते हैं, चाप को हम आर्क बोलते हैं और त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बनता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इफ आर्क जो हो वो रेडियस के इक्वल हो, देन तब फॉर्मूला होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप किसके बराबर है? त्रिज्या के। तो जाएगा त्रिज्या बटे त्रिज्या, त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल होगी और ऐसे कट के हमेशा क्या देता है? एक। अब इस सूत्र से मापन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एक रेडियन। तो एक रेडियन की परिभाषा क्या हुई कि किसी वृत्त का चाप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो उसके चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होगा। केंद्र पर बना कोण कितने रेडियन होगा बच्चों? एक रेडियन होगा। कितने रेडियन होगा बच्चों? एक रेडियन होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक रेडियन। C4 कट के लिए, यानी कि कुछ चाप काट के केंद्र पर कोण बनाया जाता है, इसलिए इसमें C लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों? C लगाया जाता है, ठीक है भाई। और आपको पता होना चाहिए जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं बच्चों? 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक रेडियन का मान निकाल लूं तो जाएगा पाई गुणा एक रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये पाई गुणा में बटे में जाएगा तो जाएगा यहां से एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। जब हम इससे पाई का भाग करेंगे तो भाग करके हमारे पास क्या आने वाला है? तो हमारे पास आएगा कि एक रेडियन, ये रेडियन का है, एक रेडियन में पाई का मान रखेंगे 22/7, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आएगा 57 डिग्री 17 मिनट और लगभग 45 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। जैसे 44 पॉइंट समथिंग होता है, 45 मान लेते हैं इतने, तो एक रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं। एक रेडियन में कितने? 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना हो, रेडियन को क्या में बदलना हो? डिग्री में बदलना हो। जैसे मेरे से दिया किसी त्रिभुज का एक कोण पाई बटे 3 रेडियन है तो इसे डिग्री में बताओ। जब भी रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई बटे हमेशा गुणा करते हैं। बता आपको एक रेडियन में कितने डिग्री आया था? सॉरी, एक रेडियन में कितने डिग्री आया था? क्या था? 180 बटे पाई। तो ध्यान रखना जब भी हम किसी रेडियन को क्या में बदलते हैं? डिग्री में। मतलब रेडियन को हम क्या में बदल रहे? डिग्री, यानी कि अंश में। तो हमेशा रेडियन में गुणा करेंगे 180 डिग्री बटे पाई से। किससे गुणा करेंगे? 180 डिग्री बटे पाई से कट जाएगा, 3 से कटेंगे कितना आएगा? 60।
तो 60 अंश का कोण होगा। कितने अंश का कोण होगा बच्चों? 60 अंश का। और यदि ऐसा हो, ये कह दें, यदि किसी त्रिभुज का कोण 45 डिग्री है तो रेडियन में बताओ, तो रेडियन में बताने के लिए उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब हम अंश को रेडियन में बदलते हैं तो उसको रेडियन में बदलने के लिए गुणा करते हैं पाई बटे 180 डिग्री से। इससे गुणा करते हैं पाई बटे 180 से, तो हमारे पास जो कोण दिया है वह दिया 45 डिग्री। क्या में बदलना बच्चों? हमें रेडियन में, तो गुणा करेंगे पाई बटे 180 से, तो क्या होगा 45 से काट लो, इसे काटेंगे हम किससे? 9 से, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 5 20, तो यहां से जो आंसर आएगा आएगा पाई बटे 4 रेडियन। कितने रेडियन का कोण बना बच्चों? पाई बटे 4 रेडियन का कोण बना। तो ऐसे करना है कन्वर्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करें और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे साथ शेयर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। बच्चों अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, कोई समझ में ना आए बात तो उसको मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं सर ये चीज समझ में ना आई, तो अगली वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत स्लोली आपको समझा दिया है। ओके, थैंक यू।